मोदी जी, गर्मी का मौसम है और गर्मी भी बहुत तेज है, तो मैंने खेत में ही खटिया बिछा दी है ताकि ठंडक मिलती रहे और कहानी सुनाने और सुनने में आनंद आए। मोदी जी, आज जीवन पर से कोई कहानी सुनाना। हाँ भाइयों, मैं आपको जीवन की अमूल्य चीजों पर कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, जीवन की अमूल्य चीजें हैं भूख, प्यास, नींद और आशा। इसके बगैर जीवन जीना मुश्किल है। एक समय की बात है कि जब भूख, प्यास, नींद और आशा को घमंड आ गया था, सभी अपने आप को श्रेष्ठ महान बता रही थी, वे चारों आपस में झगड़ रही थी कि मैं महान हूँ, मैं महान हूँ। तभी एक बूढ़ा आदमी उनकी बातें सुन रहा था, तो वह बूढ़ा उनके पास आया और बोला, देवियों, तुम आपस में क्यों झगड़ रही हो? इस बात का न्याय राजा से करवा लो कि कौन श्रेष्ठ है। यहाँ का राजा बड़ा ही बुद्धिमान और चतुर चालाक है। फिर उन चारों ने फैसला किया कि इसका न्याय राजा से करवा लेते हैं। फिर वे चारों राजा के दरबार में पहुंची। राजा ने कहा कि आप देवियों की क्या समस्या है? तो भूख बोली कि राजन, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे लिए लोग नाना प्रकार के भोजन पकवान बनाते हैं और साफ शुद्ध थाल में परोसते हैं, तब जाकर मैं भोजन करती हूँ और मेरी भूख शांत होती है। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ कि आप सचमुच सबसे श्रेष्ठ हैं या नहीं। फिर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आज से कोई भी अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएगा, कोई भी खाने के पकवान नहीं बनाएगा। ये घोषणा राजा ने पूरे राज्य में करवा दी। तो उस दिन किसी ने भी अपने घर पर चूल्हा नहीं जलाया, कोई भी खाने का सामान नहीं पकाया। दिन भर तो निकल गया, आधी रात हो गई, तो भूख को बहुत जोरों की भूख लगी। तो वह घर घर जाकर देखने लगी कि खाने को कुछ मिल जाए, पर उसको किसी के घर भी खाने को कुछ नहीं मिला। तो बाहर घूम रहे चूहे जो दो दिन की बासी रोटी लेकर खा रहे थे, तो भूख ने उन्हीं चूहों से बासी रोटी को छुड़ाकर खा गई और अपनी भूख शांत की। मोदी जी, भूख को घमंड नहीं करना चाहिए था। अच्छे खासे खाने पीने को पकवान मिल रहे थे, घमंड के चक्कर में चूहों की झूठी और बासी रोटी खाना पड़ा। मोदी जी, वो कहावत है ना कि आदमी खा खा कर गगाने लगता है, वही भूख के साथ भी हुआ। हाँ, फिर मोदी जी आगे क्या हुआ? आगे ये सब प्यास देख रही थी कि भूख हार मानकर थक गई है। फिर प्यास राजा से बोली कि महाराज, मैं महान हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम कैसे महान हो? तो प्यास बोली, महाराज, मेरे लिए लोग तालाब और कुएं खुदवाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, फिर तालाब और कुएं से पानी लाकर घर के बर्तनों में इकट्ठा करते हैं, फिर मैं उसमें से पानी पीती हूँ और अपनी प्यास बुझाती हूँ। तो महाराज, मैं महान हूँ। फिर राजा ने सिपाहियों से कहकर सारे राज्य के घरों में रखा पानी फिकवा दिया, तालाब और कुओं पर पहरा बिठा दिया और ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर ना रखे। तो सभी प्रजाजनों ने ऐसा ही किया। 4-6 घंटे हो गए तो प्यास को बहुत जोरों की प्यास लगी, तो वह सारे राज्य में इधर उधर पानी की तलाश में घूमने लगी, पर उसको कहीं भी पानी नहीं मिला। फिर वह जंगल में गई तो उसे एक नाले में सड़ा गला पानी दिखा, तो प्यास ने उसी पानी को पिया और अपनी प्यास बुझाई। बस मोदी जी, प्यास की भी हेकड़ी निकल गई, आ गई अकल ठिकाने, आ गई सीधी लाइन पर। हाँ भैया राहुल, सही कहा। आगे ये सब नींद देख रही थी कि प्यास भी घूम फिर कर थक कर हार मान गई है। फिर नींद ने राजा से कहा कि राजन, ये सब तो नकली खिलाड़ी है, असल में तो सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। मोदी जी, अब तो मेंकी को भी जुखाम चढ़ गया, मुंह के बल गिरेगी नींद भी। तो भैया राजन ने कहा कि देवी, आप कैसे महान हो? तो नींद ने कहा कि महाराज, लोग मेरे लिए पलंग, गद्दा, रजाई बनवाते हैं, मखमल के गादीदार बिस्तर लगवाते हैं, फिर जाकर मैं उस पर आराम से चैन की नींद सोती हूँ। तो महाराज, हुई ना मैं सर्वश्रेष्ठ? राजा ने कहा कि ठीक है, अभी देख लेते हैं। फिर राजा ने सैनिकों से कहकर सारे राज्य के पलंग और खटिया, बिस्तर, रजाई सब कुछ रखवा लिया और ये झिंझोड़ा पिटवा दिया कि आज से अपने घरों में कोई भी बिस्तर ना बिछाए, कोई भी पलंग या खटिया ना बिछाए। फिर राज्य के सारे लोगों ने अपने अपने घरों में खटिया, पलंग और बिस्तर ना बिछाए। रात हो गई, रात के 2-3 बज गए, तो फिर नींद को नींद सताने लगी। फिर वह इधर उधर घर घर जाकर बिस्तर, खटिया खोजने लगी, पर उसको कहीं भी बिस्तर लगा हुआ नहीं दिखा। तो वह थक हार कर रोड पर उबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो गई। मोदी जी, रात के 2-3 बजे के बाद तो आदमी को नींद फेंक ही देती है, बिना सोए नहीं रह पाता आदमी। हाँ भैया, सही कहा, नींद के भी अरमान ठंडे हो गए।
इधर ये सब आशा ने देखा कि नींद भी हार गई है। फिर आशा ने राजा से कहा कि महाराज, हकीकत में तो मैं ही महान हूँ। तो राजा ने कहा कि आप कैसे महान हो? तो आशा ने कहा कि महाराज, लोग कोई भी काम काज करते हैं तो एक आशा लेकर करते हैं कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा तो ये सामान लूंगा, ये काम करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा। हर इंसान एक आस लेकर ही कोई न कोई काम करता है, चाहे आशा पूरी हो या ना हो, पर आशा पर ही सारा जीवन टिका हुआ है। तो महाराज मैं बड़ी हूँ। फिर राजा ने अपने राज्य में सिपाहियों से कहकर ये झिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी काम काज ना करे, मेहनत मजदूरी ना करे, कोई भी अपने मन में आशा का दीप ना जलाए। फिर सारे राज्य में ऐसा ही हुआ, सभी ने काम काज मेहनत मजदूरी सब छोड़ दी। लेकिन आशा तो इंसान को हर पल पल होती है, आशा बदलती रहती है। आशा से एक पल भी नहीं रहा गया, वह इधर उधर घूमने लगी कि कोई भी आदमी आशा लिए काम करता हुआ दिखाई दे, पर उसको कोई भी नहीं दिखाई दिया। पर आशा को नदी के किनारे एक बूढ़ा कुम्हार दिखाई दिया। वह कुम्हार अपनी झोपड़ी के अंदर दीप जलाकर मटके बना रहा था। तो आशा उसके पास गई और उस बूढ़े कुम्हार के सारे मटके सोने के बना दिए और उसकी झोपड़ी को भी महल में बदल दिया, क्योंकि बूढ़ा कुम्हार ये आस लगाकर काम कर रहा था कि मैं मटके बनाकर बेचकर एक बड़ा सा महल बनाऊंगा। मोदी जी, बूढ़े कुम्हार के पैर तो कब्र में लटक रहे थे, फिर भी महल में रहने का सपना देख रहा था। भैया, अखिलेश, एक देसी कहावत है आशा के बारे में कि आशा मरे ना तृष्णा मरे, मरमर जाए शरीर। आशा कभी नहीं मरती। आदमी जब मरता है तो वह इच्छा करता है कि मुझे लड्डू खाने को मिल जाए, पेड़े खाने को मिल जाए, मखमल के गद्दे पर सोऊं। आशा तो बूढ़ा और जवान सबको होती है। फिर राजा ने न्याय किया कि भूख प्यास नींद और आशा में से आशा सबसे बड़ी है, महान है। हर इंसान कोई न कोई आस या उम्मीद से ही काम काज मेहनत मजदूरी या अनेकों कार्य आस लेकर ही करता है। बिना आशा उम्मीद के कोई भी इंसान कोई कार्य नहीं करता, इस कारण आशा श्रेष्ठ है। और भैया, कहानी खत्म। वाह मोदी जी, क्या कहानी सुनाई, दिल खुश हो गया। और भाइयों, आपको कैसी लगी मोदी जी की कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ सबके साथ।